किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी सारी अच्छाई वो भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम यू नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यू नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं यू नाम वाले लोगों के अगस्त के महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यू नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त का महीना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन जो आपके प्रेम संबंधों में साथी के साथ बात विवाद होंगे वो बड़े हो जाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे, ये आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में हालांकि अगर आप किसी साथी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके प्रेम संबंध अगर पहले से हैं तो वहां पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। समय रोमांटिक रहेगा, रोमांस ज़्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। मुलाकातें तो हो सकती हैं, संबंधों में मधुरता भी रह सकती है और आपके रोमांस भी हो सकते हैं, लेकिन पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की शंकाएँ ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। अगर आपकी किसी से कोई मित्रता चल रही है और आप उस मित्रता को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत हो रही है, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाने चाहते हैं, अगस्त का महीना बेहतर है, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कोई साथी आए तो वो तलाश आपकी अगस्त के महीने में पूरी हो सकती है, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगस्त के महीने में। तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने संबंधों पर ध्यान रखते हैं, धैर्य और संयम का परिचय देते हैं, तो आप देखेंगे कि अगस्त का महीना प्रेम संबंधों के लिए एक बेहतर महीना साबित हो सकता है। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपनी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है, पूरा महीना बेहतर है। अगस्त के महीने में आप प्रयास करें, आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी और आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में वापस आ सकता है। लेकिन बात मैं यहाँ पर भी वही कहूँगा कि आप अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त तीसरे व्यक्ति को बीच में ना रखें, खुद साथी से बात करें और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर आपने गलती की है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो ईमानदारी रखें संबंधों में, और प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। अपने साथी का भी सम्मान करें, तभी आपका साथी आपका सम्मान करेगा। और अगर ये सब बातें आप में होंगी तो आपका साथी अवश्य ही आपके जीवन में वापस आ सकता है और आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो प्रेम संबंधों में भरोसा बनाकर रखना बहुत आवश्यक होगा। और आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अगर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है, जे लेटर से शुरू होता है, या फिर जेड लेटर से शुरू होता है, या फिर बी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, आई ओ वी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में जो परिणाम मैंने आपको बतलाए हैं उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रेम संबंध फिर आपके अगस्त के महीने में ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको अगस्त के महीने में
अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगस्त का महीना वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी। और जीवन साथी के साथ अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है तो उसको भी अगस्त के महीने में समाप्त किया जा सकता है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूरा महीना आप प्रयास कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके मतभेद आपके जीवन साथी के साथ समाप्त हो जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं, अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनते हैं और आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार हैं, यानी कि आपके विवाह से अलग कोई संबंध नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके मतभेद बहुत आसानी से समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो वो आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं, फिर वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय गुजारेंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी के साथ बहस में भी पड़ सकते हैं और अगर बहस होती है तो वो ज़्यादा हो सकती है, फिर वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंधों के लिए कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य परिणाम आपको अवश्य मिल जाएंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत फहमी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा अगस्त के महीने में। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके सामान्य रहेंगे और अगर पहले से कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। वहाँ पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको किसी भी संबंध में वाणी पर संयम रखना आवश्यक है। चाहे आपके प्रेम संबंध हों, चाहे आपके वैवाहिक संबंध हों, या फिर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध हों, आप वाणी पर संयम रखें, गलतफहमियां ना पालें, शंकाएं ना पालें और क्रोध और जिद पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। आपके स्वभाव में जिद्दीपन देखने को मिल सकता है अगस्त के महीने में, तो क्रोध और जिद अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें अगस्त के महीने में। तो कुछ इस तरह के परिणाम यू नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में अगस्त के महीने में मिल सकते हैं। चलिए मित्रों, यू नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। यू नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो मंगलवार वाले दिन आप बंदरों को कुछ न कुछ खाने को दें, आप केले भी खाने को दे सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार वाले दिन आप गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो ये दोनों उपाय पूरे महीने करें, आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यू नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।